और सिस्टर का अलग पोज़ है और मुझे हम कोई दे रहे या देख के हंसी रहे हो कैमरे और यहाँ पर मैंने बच्चों के सर में ऑयलिंग कर दी है क्योंकि अभी अभी उठे हैं ये इधर देखे छोटा हुआ मुँह लेकर अपना और बच्चों के सर में ऑयलिंग कर कम से कम मैं वीक में इतना दफा जो है ना जरूर ऑयलिंग कर देती हूँ अपने सर में भी और बच्चों के सर में भी आयशा के सर में भी मैंने ऑयलिंग करा दी है फिर इन्हें थोड़ी देर में ना नाश्ता वगैरह से फारिक हो जाए दोपहर में फिर इनको नहला दुला के फ़्रेश करा दूँगी बालों में जो है ना काफ़ी इन लोगों के डेंडरफ हो गई है खुश्की आ गई है उसकी वजह से इन्हें खारिश भी होती है इसलिए मैंने इनके अच्छी तरह आज ऑयल की चमकी करा दी है और आयशा के सर में मैंने ऑयल डाल दिया अच्छी तरह अब इनको नहलाऊँ अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सादिया इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको वेलकम करती हूं एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ एक नई एनर्जी के साथ तो मैंने बच्चों को सुबह नाश्ता कराकर और अच्छी तरह बालों में ऑयलिंग करा दी थी और उसके बाद हम सब ने नहा धो के हम सब फ्रेश हो गए यहाँ पर आयशा अपना सबक याद कर रही है आयशा सलाम करो वालेकुम अस्सलाम और अफान का जो है ना मूड बहुत ज्यादा ऑफ रहता है आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ और जिद्दी हो गए हैं हर वक्त रोते रहते हैं किसी ना किसी बात के लिए या किसी ना किसी चीज़ के लिए अभी लाइट चली गई है हमारी और लाइट की जो है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में कभी भी चली जाती है और कोई टाइम नहीं है लाइट का कभी भी मुँह उठा के चली आती है और कभी भी आ जाती है तो खैर अभी दोपहर का वक्त हो रहा है हम सब नहा धो के फ़्रेश हो गए और अब खाना खिलाऊंगी बच्चों को और खाना खिला कर जो है आ, इनको मदरसे भेजूंगी क्योंकि अभी याद कर रही है आयशा सबक और अफ़ान को भी थोड़ा सा याद कराती हूँ खाना खिलाती हूँ उसके बाद जो आपने थंबनेल में देखा कि मैं अपनी चाइल्ड हुड मेमोरीज़ यानी अपने बचपन की सारी जितनी भी पिक्चर्स हैं और बहुत खूबसूरत यादें जिनसे जुड़ी हुई हैं वो आप सबसे शेयर करने वाली हूँ आज तो रहिएगा मेरे साथ और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा

अच्छा ये इनको नहलाते हैं ना तो फिर इनके देखें बाल कितने ब्लॉन्ड हो जाते हैं बिल्कुल इनका ऑयलिंग कराई थी आज और इसके बाद फिर इनके शैम्पू कराए तो बाल माशाल्लाह इतने प्यारे हो जाते हैं इनके फ़ादर बोल रहे हैं कि इनके बाल कटिंग करवाओ गर्मी हो रही है गर्मी हो रही है जल्दी से बाल कटवाओ इसको गंजा कराऊंगा मैं <laughs> मैंने रोका हुआ है अभी नहीं कराया अभी नहीं करा बकर गुजर जाए उसके बाद करवाएंगे गंजा आयशा को भी करवाएँगे और इनको अफ़ान को भी कराएंगे क्योंकि बाल इनके ना थोड़े कमज़ोर हैं और कम भी है बाल जब गंजे एक दो दफा कराएंगे ना तो उसके बाद इंशाल्लाह बाल अच्छे हो जाएंगे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी चाइल्डहुड की थोड़ी सी मेमोरीज आपसे शेयर करूंगी क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं बताना चाहती थी आपसे कि बचपन में मैं कैसी थी तो अपनी थोड़ी सी फैमिली की मैं तस्वीरें यहाँ पर मैंने इकट्ठी की हैं जो कि दिखाने जैसी हैं क्योंकि पहले जमाने में ना पता नहीं क्यों मोबाइल्स का तो इतना कोई वो दौर नहीं था लेकिन ये जो हम लोग घर में कैमरा और उससे क्लिक किया करते थे तो इतना रेंडमली तस्वीरें अब मैंने नोटिस की हैं कि इतनी रेंडम तस्वीरें कि कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं जिसमें हम प्रॉपर कोई पोज दे रहे हो या प्रॉपर देख रहे हो कैमरे कुछ ना कुछ करते हुए अचानक से क्लिक की गई तस्वीरें लेकिन उनके पीछे जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत यादें छुप जाती हैं एक मंज़र एक लम्हा कि ये इस वक्त हम ये कर रहे थे और हम यहाँ से आए थे और ये वाली स्टोरी कोई ना कोई स्टोरी होती है तो ये सबसे पहले ये मेरे भाई की जो है ना साइकिल लेकर आई थी अम्मी और उन्होंने ना नई साइकिल लेकर आए थे तो यहाँ पर मैं शाम का टाइम था और मैं रो रही थी कि मुझे भी साइकिल चाहिए तो अम्मी ने मेरी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की थी और यहाँ पर हमारे पीछे घर में क्यारी बनी हुई है क्योंकि अम्मी को और सबको जो है ना घर में इसका गार्डनिंग का बहुत शौक था तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेड़ लगाए हुए थे और ये पीस के आगे हम खड़े हुए हैं सहन है ये हमारा तो यहाँ पर मैं खड़ी भी हुई हूँ ये मैं हूँ ही मेरे बचपन की फ़ोटो अगर आपको सही से नज़र आ रही है तो तो यहाँ पर मेरा मुँह जो है ना ज़्यादातर तस्वीरों में तो उतरा हुआ ही है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रोना होता था मुझे और अम्मी ज़्यादातर फ़ोटो क्लिक कर लेती थी अचानक से या फिर पापा होते थे तो ये मेरी तस्वीर है बचपन की और उसके बाद ये वाली मेरी एक पिक्चर है जिसमें मेरे ये वाले इसके पीछे भी एक स्टोरी है शायद आपको सही नज़र नहीं आ रही हो क्योंकि ये ना थोड़ी धुंधली है और काफ़ी पुरानी तस्वीरें हो गई हैं ये ये मैं हूँ ये ये वाली ये मैं हूँ और ये मेरे भाई हैं और ये मेरी सिस्टर हैं बड़ी सबसे छोटी हूँ मैं बहन भाइयों में और ये देखें ये हम लोगों को खसरा निकला था और तीनों बहन भाइयों को एक साथ खसरा निकला था उसके बाद अम्मी ने ना हमें गंजा करा दिया था तो उसकी था उसके बाद तो हमारे थोड़े थोड़े बाल आए हुए उसकी तस्वीर तस्वीरें ये अगर आपको सही नजर आ रही हो अच्छा अभी मैंने काफ़ी अर्से बाद ये वाली तस्वीरें अम्मी के पास थी तस्वीरें तो मैं काफ़ी साल पहले ना उनसे लेकर आ गई थी ज़बरदस्ती के भाई मुझे दे दो मुझे दे दो मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है तो कोई यादें नहीं है कोई यादगार चीज़ नहीं है तो मैं पापा की जा नमाज़ जिस पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और ये काफ़ी सारी तस्वीरें थी जो मैं अम्मी से ले आई थी तो ये मेरे पास इसलिए आ गई हैं और ये मेरे पापा हैं ये ये मेरे पापा हैं इनकी डेथ हो गई है जब मैं बहुत छोटी सी थी तो हम बहन भाई सब छोटे थे तो उनकी डेथ हो गई थी मेरे पापा हैं ये पापा की पिक्चर है और ये ये कहीं घूमने गए थे पापा पिकनिक पर वहाँ की फार्म हाउस की ये फोटो है और यहाँ पर हम तीनों जो है ना अलग अलग पोज कस्टर है आगे जो खड़ी हुई है सिस्टर है और भाई है बीच में भाई का अलग पोज है मेरा अलग पोज है और सिस्टर का अलग पोज है और मुझे देख के इतनी हंसी आ रही है क्योंकि काफी अरसे बाद जब भी हम चीज़ें देखते हैं ना पुरानी तो यादें या आ जाती हैं दोबारा ताज़ा हो जाती हैं हमारे कज़न आए हुए थे गांव से क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ गांव से फादर भी मेरे गांव से ही बिलोंग करते थे यहाँ पर जॉब करते थे कराची में उनकी पाकिस्तान स्टील मिल में जॉब थी और फिर हम पापा से अम्मी से यहीं पर शादी हुई थी तो हम सब यहीं रहते थे लेकिन सारा हमारा ख़ानदान और जो ताल्लुक था वो गाँव से था तो ये पीछे मैं खड़ी हूँ अम्मी खड़ी हैं और उसके बाद भाई और सबसे आगे बहन खड़ी हुई है मेरी तो बहुत पुरानी तस्वीर है हम बहुत छोटे छोटे थे ये बिल्कुल सेंटर में जो ये बेबी है छोटी सी ये मैं हूँ और पीछे भाई बैठे हुए हैं और आगे जो है ना सिस्टर है ये सबसे छोटी जो मैं हूँ बीच में मुझे फंसाया हुआ है डबल वाली जो साइकिल हुआ करती थी ना उसमें हम भी बताती है कि दोनों चलाते थे लेकिन तुम भी रो रही थी तो मैंने बीच में तुम्हें फसा दिया था और फिर तस्वीर खींच ली थी यहाँ पर जो है ना ये हमारे गाँव से कजन आए हुए थे उनकी तस्वीरें भाई है और भाई ने देखे हाथ में ना मेरे ख्याल से कैमरे का पाउच पकड़ा हुआ है और ये मैं बैठी हुई हूँ सिस्टर जो है मेरी होमवर्क कर रही है आई थिंक स्कूल का तो जब भी को जो भी तस्वीर है ना मेरे पास उसमें कोई भी हम प्रॉपर नहीं बैठे हुए यानी प्रॉपर पिक्चर क्लिक नहीं करवा रहे बस ऐसी कहीं ना कहीं से आड़ी ठेड़ी तस्वीरें खींची हुई है मेरे पास और ये वाली जो है ना हमारे गांव की पिक्चर है हम ईद बकर गांव जाया करते थे तो ये वाली जो है ना हमारे गाँव की मेरी कज़न है और इधर वाली जो ग्लासेस पहनी हुई मेरी सिस्टर है और ये वाली मैं हूँ छोटी तो हम छोटे छोटे से हुआ करते थे और इतना मज़ा आता था गांव जाते थे खेलते थे बहुत मज़ा करते थे और ये वाली जो है ना ये पिक्चर हमारी बहुत प्यारी यादगार है ये रमज़ान की पिक्चर है ये खैर मैं तो छोटी थी मैं बैठी हुई हूँ पीछे जिसका चेहरा नज़र आ रहा है मैं हूँ ये लेकिन और ये जो फ्रूट काट रहे है मेरे पापा हैं ये रमज़ान की पिक्चर है और अफतारी के टाइम जो है ना फ्रूट काटने का बहुत शौक था पापा जो है ना अम्मी अवतारी बनाती थी और पापा फ्रूट काटते थे फ्रूट चाट वगैरह पापा बनाते थे और हम भी हेल्प कराते थे तो मैं भी हेल्प करा रही हूँ यहाँ पर और सिस्टर जो बैठी है बैठी हुई हैं और पापा फ्रूट कट कर रहे हैं यहाँ पर और ये वाली जो पिक्चर है ना ये हाँ ये तो वही वाली है इसका दूसरा पोज है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी ये हम फ्रिज है फ्रिज है हमारा उस दौर का फ्रिज है ये और इस पर बहुत सारे स्टिकर लगाए हुए हैं हम लोगों ने और ये वाले भाई हैं ये जो जिसका हाफ कट फेस जो कट गया है ना ये मैं हूँ और ये मैं ये वाली मेरी सिस्टर है हम हमेशा तीनों साथ साथ ही हुआ करते थे और ये वाली ये एक पिक्चर ये वाली भी बहुत प्यारी पिक्चर है हमारी ये साइकिल भाई ने ली थी ना नई नई तो हम सब चलाया करते थे और पीछे हमारे कज़न भाई भाई हैं हमारे कज़न वो खड़े हुए हैं और ये मैं हूँ और सिस्टर है मेरे भाई हैं ये वाली भी एक और पिक्चर है हमारी गांव की ये वाली भी सिस्टर है मेरी और कज़न है मेरी और ये मैं हूँ साथ में और ये वाली जो है ना ये बड़ी इसकी खूबसूरत याद है ये अम्मी है और मेरी और मेरे भाई हैं बहन हैं और मैं हूँ अम्मी के बराबर में मैं बैठी हुई हूँ तो ये हमारी खाला जो है ना उनकी आ, सिजेरियन हुआ था उनका और बेटी पैदा हुई थी उनकी तो अम्मी हॉस्पिटल में थी दो दिन तक अम्मी हॉस्पिटल में थी हम यहाँ पर थे पापा थे हमारे और गाँव से भी एक दो लोग आए हुए थे तो दो दिन बाद अम्मी जब घर पर आई थी ना तो वो काफ़ी सारा सामान और ये फ्रूट वग़ैरह और खाना था और केक जो है ना लेकर आई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आया हुआ कोई केक तो अम्मी को बाजी जो खाला थी हमारी अम्मी को दे दिया था केक तो अम्मी यहाँ पर लेकर आई थी और हम यहाँ पे केक खा रहे हैं सब मिलकर तो ये वाली यादगार भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर देखें हम लोग हमेशा मैं और मेरी सिस्टर एक जैसे कपड़े पहनते थे और अम्मी ने ना भाई को आवाज़ दे रही है मेरे हाल से अम्मी अम्मी बताती थी मैं भाई को आवाज़ दे रही थी तो एकदम से तस्वीर खींच ली थी पापा ने क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमेशा अम्मी जो है ना हमें एक जैसे कपड़े पहनाती थी एक जैसा तैयार करती थी और यह हमारा कमरा है हमारा बेडरूम है ये वाली जो पिक्चर है ना ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी इसमें याद है ये आ, मेरे पापा के फ्रेंड थे बेस्ट फ्रेंड थे उनका स्कूल था तो उन्होंने स्कूल की जो ओपनिंग की थी उसका ये फर्स्ट डे था और हम सब का ये जितने भी बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको ये सब न्यू एडमिशन थे यानी पहले दिन के जो पहले बच्चे एडमिशन थे ये हैं और पीछे जो है ना टीचर्स हैं और बाबा हैं चौकीदार बाबा सर हैं हमारे और प्रिंसिपल हैं हमारी और ये प्रिंसिपल जो है ना हमारी इंडिया से आई थी हो सकता है आ, हाँ ये इंडिया से आई थी इनका नाम किश्वर था और इंडिया से शादी होकर आई थी है। और ये वाली जो बीच में बिल्कुल सेंटर में ये मिठाई बांटी गई थी तो मिठाई खा रहे हैं ज़्यादातर बच्चे और जो बीच में बैठी हुई है ना ये बिल्कुल खड़ी हुई जो है ये मैं हूँ देखिए ये हेयर बैंड पहना हुआ है और मैं लड्डू खा रही हूँ आई थिंक और हमारा मेरा यानी स्कूल का पहला दिन था ये और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और ये मेरी यादगार है और यहाँ पर देखिए मैं मेरा मूड बिल्कुल ऑफ़ है और तस्वीरें पता है घर शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो अम्मी के पास थी फिर अम्मी ने भी काफ़ी घर शिफ्ट किया और उसके बाद मेरे मैं अपने पास ले आई थी काफ़ी और जैसे मेरे पास है पता नहीं पाँच आई थिंक पाँच छः साल हो गई तस्वीरें मेरे पास रखी हुई हैं तो मैंने भी इसमें काफ़ी घर शिफ्ट किए काफ़ी दफ़ा तो तस्वीरें इधर उधर भी हो गई हैं कुछ और साथ साथ जो है ना थोड़ी ख़राब भी हो गई हैं बच्चों ने निशान वगैरह भी लगा दिए हैं तो यहाँ पर भी मेरा मूड बहुत ऑफ़ था मैं गु़स्से में थी और मैं यहाँ पर खड़ी हुई फ्रिज के आगे और अम्मी ने फोटो क्लिक की थी और ये वाली पिक्चर जो है ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बिल्कुल मेरा बेटा जो है मैं आपको अपने बच्चों से भी पूरे मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी इंशाल्लाह क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली और मैं सबसे मिलवाना चाहती हूँ अपनी सारी फ़ीलिंग्स अपनी सारी यादें अप जो मैं जैसे रहती हूँ मैं सब कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ और ये बिल्कुल मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे अजान जैसे हैं अजान नाम है मेरे बेटे का बिल्कुल अजान के जैसे हैं अजान यानी मेरे मुझ जैसे हैं तो ये सब मेरी चीज़ें थी मेरी यादें थी बहुत खूबसूरत और ये मेरे पापा हैं और तकरीबन उनकी डेथ से कुछ अर्से पहले कुछ साल आई थिंक दो तीन दो साल या ढाई साल पहले की ये पिक्चर है और यहाँ पर देखें मेरे नाना बैठे हुए हैं ये वाले और मेरे भाई हैं छोटे मतलब मैं बड़े मैं छोटी हूँ और ये दोनों बड़े थे और मेरे पापा हैं और मेरी सिस्टर है यहाँ पर हम बाहर बैठे हुए हैं सहन है हमारा और इस तरफ हमारी क्यारी बनी हुई थी यहाँ पर सारे हमने पौधे वगैरह लगाए थे और बहुत बड़ा हमारा सहन था जिसमें हम रात में बैठे हुए हैं और अम्मी ने ये फ़ोटो क्लिक की है और ये वाली जो है ना मेरी लास्ट पिक्चर है जो आपके लिए मैंने रखी थी कि मैं दिखाऊंगी सबको ये वाली जो पिक्चर है इसमें ये मैं हूँ और ये मेरे भाई हैं और ये हमारे फ्रेंड हैं और ये मेरी सिस्टर हैं तो ये वाली इस एज में जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो इस वाली ये थी हमारी एज और हम इतने छोटे छोटे हुआ करते थे और गांव से हम आए थे यानी कि अम्मी की दत ख़त्म होने के बाद जब हम गांव से वापस आए थे तो ये उसी दिन की ये फ़ोटो है हमारी उसी दिन की है और कलर वगैरह भी अम्मी पापा ने करवाया था हमारे घर में पूरा कलर न्यू हुआ हुआ है पीछे और ये वाला सूट जो है ना हमारी गांव में हमारी कज़न्स ने बना के दिया था हाथ से तो ये हमने पहना था और मुझे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो नहीं याद क्योंकि मैं इसमें काफ़ी छोटी हूँ मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी मुझे इतना याद है कि मैं पहली क्लास में थी और यहाँ से आने के बाद जब छुट्टियाँ हमारी काफ़ी हो गई थी क्योंकि हम वहीं रहे थे अम्मी की जब तक इद्दत पूरी नहीं हुई थी और उसके बाद जब हम आए थे तो फिर दोबारा से अम्मी ने एडमिशन करवाया था और पहली क्लास में मैं फ़र्स्ट क्लास में वन क्लास में गई थी तो ये मेरी एज थी यहाँ पर वन क्लास में जब मैं थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरे भाई हैं सिस्टर हैं यहाँ पर हमारे दोस्त हैं तो बस ये मेरी थी कुछ बचपन की यादें और चाइल्डहुड मेमोरीज़ जिनको मैं अक्सर देखती हूँ निकालती हूँ और खुश होती हूँ कभी और कभी कभी दुख भी होता है कि काश हमारे पापा दुनिया में होते और अगर होते तो शायद हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती क्योंकि हमारे पापा जो है ना बहुत हमें पढ़ाना चाहते थे और वाकई में अगर वो इस दुनिया में होते तो हम बहुत अच्छा पढ़ते लिखते और आज कहीं किसी न किसी अच्छी जगह पे सेटल्ड होते कुछ ना कुछ बन चुके होते लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि हम आ, हमारे पापा तो अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि हमारे पापा इस दुनिया से चले जाएँ और हम इसी तरह सेक्रीफाइज़ में जितने हमने सैक्रीफाइज देखे हम सब बहन भाइयों ने अम्मी ने और इसी तरह हम ज़िंदगी गुजारें और अब हम अल्लाह का शुक्र है सब बड़े हो गए अपने अपने घर वाले हो गए बच्चों वाले हो गए लेकिन बचपन की यादें जब ताज़ा होती हैं तो सब चीज़ें याद आ जाती हैं बचपन की कुछ खूबसूरत यादें भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो गमगीन कर देती हैं दिल दुखाती हैं बस अल्लाह ताला सब पे रहमो करम फरमाए और मैं आप सब से ये शेयर करना चाहती थी अपनी बचपन की तस्वीरें अपनी पिक्चर्स अपनी यादें और आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए इतना ही अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़